एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली दिल्ली की रेसलर दिव्या काकरान ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया है। दिव्या काकरान ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार मेरी मदद करती तो आज मेरे गले में भी गोल्ड मेडल होता। दिव्या के दर्द से न केवल दिल्ली की खेल नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि केजरीवाल सरकार की नीति और नीयत भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। ये सम्मान नहीं दिखावा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये हंसी भी दिखावे वाली है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिखावे वाली राजनीति का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। अरविंद केजरीवाल अगर सतर्क होते तो एशियन गेम्स में भारत और ज्यादा गोल्ड मेडल जीत सकता था, लेकिन केजरीवाल की राजनीति से भारत एशियन गेम्स की पदक तालिका में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने के बावजूद पिछड़ गया। आप हैरान हो रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने ना तो एशियन गेम्स के किसी खेल में हिस्सा लिया, ना कोई निशाना लगाया, ना कोई भाला फेंका, ना ही किसी पहलवान को पटकने दी। फिर पदक तालिका में अरविंद केजरीवाल ने भारत को पीछे कैसे छोड़ दिया? लेकिन हम आपको बता दें कि केजरीवाल ने भले ही एशियन गेम्स में हिस्सा ना लिया हो, लेकिन केजरीवाल ने राजनीति की पिसात पर ऐसा खेल खेला कि दिल्ली के कई खिलाड़ियों की उम्मीदों पर न केवल पानी फिर गया बल्कि उनका बरसों का सपना भी चकनाचूर हो गया। जी हाँ, ईमानदारी का चोला ओढ़ने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के खिलाड़ियों के साथ धोखा किया है। एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को गुमराह करके केजरीवाल ने खिलाड़ियों के साथ विश्वासघात किया है। केजरीवाल के इस विश्वासघात का खुलासा एशियन गेम्स से मेडल जीतकर वापस लौटी दिल्ली की खिलाड़ी दिव्या काकरान ने किया है। दिव्या काकरान ने रेसलिंग में देश को कांस्य पदक दिलाया है। दिव्या को जो पदक मिला है उसका रंग तांबे का है, लेकिन इस तांबे के पदक ने दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल कर दिया है और दिव्या के गुस्से की वजह बने हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल एशियन गेम्स से पदक जीतकर लौटे दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए दिल्ली सरकार ने एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में दिव्या काकरान को भी आमंत्रित किया गया था। उम्मीद थी कि खिलाड़ी दिल्ली सरकार की खेल नीति की तारीफ करेंगे और सरकार की तारीफों के कसीदे गढ़ेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। रेसलर दिव्या काकरान ने इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने ही बड़ा बयान दे दिया। दिव्या काकरान ने सीएम केजरीवाल के मुंह पर कह दिया कि अगर आप मदद कर देते तो आज भारत के गोल्ड मेडल और ज्यादा होते। दिव्या काकरान ने साफ साफ कहा कि दिल्ली सरकार ने जो धोखा उसके साथ किया है उसकी वजह से वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई। उस टाइम पे हमें मिले ना तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो। एशियन गेम्स में रेसलिंग में देश को कांस्य पदक दिलाने वाली रेसलर दिव्या काकरान ने इस कार्यक्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल को खरी खरी सुनाई। दिव्या ने कहा, कॉमनवेल्थ में जब गोल्ड जीता था तब भी आपने बुलाया, मैंने कहा एशियन गेम्स की तैयारी के लिए कुछ मदद चाहिए, मैंने लिखकर भी दिया, लेकिन जब मदद देने की बारी आई तो मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया गया। आपने बुलाया था, आपने कहा हेल्प करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि एशियन गेम्स के लिए मेरे को तैयारी के लिए कुछ चाहिए, पर लेकिन सर उसके लिए नहीं हो पाया। आपने कहा कि हाँ आप बताइए, मैंने लिख के दिया, पर लेकिन फिर उसके बाद मेरा फोन भी नहीं उठाया गया। दिव्या काकरान दिल्ली के गोकलपुर में रहती हैं। दिव्या ने बेहद मुश्किल हालात से जूझकर एशियन गेम्स की तैयारी की। दिव्या का परिवार पिछले 10 साल से पूर्वी दिल्ली के गोकलपुर की तंग गलियों में बने दो कमरों के घर में रहता है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि दिव्या कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत कर लाई थी, तब भी उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया गया, लेकिन मिला केवल धोखा।
और इस धोखे का दर्द इस कार्यक्रम में दिव्या की जुबान पर एक बार फिर आ गया। तो अगर आप थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं आज यहाँ पे पहुँच गई हूँ, आज सब सपोर्ट कर रहे हैं, पर लेकिन जिस टाइम मुझे ज्यादा जरूरत थी ना, उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इस मौके पर दिव्या ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने न केवल अपनी आप बीती बयां की, बल्कि ये भी बयां कर दिया कि दिल्ली के खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ियों के मुकाबले मेडल क्यों नहीं जीत पाते। दिल्ली में बहुत कम मेडल आए, हरियाणा में आप जाके देखिए कितने मेडल आए हैं, क्योंकि उनके साथ सपोर्ट है। 3 करोड़ बहुत होते हैं सर, पर लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ अब हुए है, नहीं तो 20 लाख कुछ भी नहीं होते सर। 20 लाख जिस मेहनत से निकल के आए हैं। हरियाणा में ये नहीं कहते, सब ये कहते हैं कि दूध है, घी है, ये है, वहाँ पे कुछ नहीं है करने में। ज्वाला हमें भी है, हमारे पास भी घी दूध है, पर लेकिन सपोर्ट नहीं है वहाँ पे। ये नहीं कि हरियाणा के बच्चे से आगे बढ़े क्योंकि वहाँ घी दूध का खाना है, खाना यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। तो दिव्या को सुनने के बाद सीएम ने कहा कि अब तक जो नीतियाँ थी उसमें कई सारी खामियाँ थी, उनको सुधारने के काफी प्रयत्न किए। हमारे कामों में अड़चन डाली जा रही है, पहले हमारी नीतियाँ ऊपर जाकर रोक दी जाती थी, लेकिन आज जो हम कर पा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। इसमें दो तीन चीजें हैं, तो दिल्ली की अभी तक की जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज थी उसमें कई सारी खामियां थी। जब से हमारी सरकार बनी हमने उसको सुधारने के काफी प्रयत्न किए। अब ये समय नहीं है उन सारी दिक्कतों को बताने का जो कि आप लोग अखबारों में पढ़ते हो कि किस तरह से हमारे हर काम में अड़चन लड़ाई जा रही है। सो आपकी बात बिल्कुल सही है, आप केवल आप नहीं, कई सारे और प्लेयर्स हमारे पास आते थे और हमें बताते थे कि उन लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन जितनी भी अभी तक हम लोगों ने पॉलिसीज ड्राफ्ट की, वो सारी पॉलिसीज ऊपर जाके उनको किसी ना किसी वजह से रोक दिया गया। ये जो हम कर पा रहे हैं, आज जो हमने अनाउंस किया है, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। दिव्या का ये भी कहना है कि उसका पूरा सफर बेहद मुश्किल भरा रहा है, लेकिन मुश्किल हालात और समाज के तमाम बंधनों को तोड़कर ना दिव्या ने हार मानी और ना ही उसके परिवार ने। मुद्दा चाहे महंगे बादामों का रहा हो या फिर समाज की संकीर्ण सोच से लड़ने का, दिव्या का परिवार हर कदम पर उसके साथ रहा। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो सुविधाएं, हालात और माहौल एक खिलाड़ी को सरकार मुहैया करा सकती है, वो कोई परिवार चाहकर भी नहीं करा सकता। ऐसे में दिव्या के दिल का ये दर्द उसकी आपबीती तो बयां कर ही रहा है, उसके साथ साथ दिल्ली की खेल नीति, सरकार की मंशा और खिलाड़ियों की हालत पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखना ये है कि दिव्या ने हौसला जुटाकर जिस सच्चाई से केजरीवाल सरकार को रूबरू कराया है, उससे केजरीवाल सरकार क्या सबक लेती है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज़।